साफ करना पड़ता। गीले होते हैं ना जब रोते हैं, फिर आपको पता चलता है खुशी का मतलब क्या है। ये है इम्पोर्टेंट, ये नहीं है इम्पोर्टेंट कि आप गलतियाँ करते हैं। गलतियाँ तो होंगी, नई चीज़ें करेंगे तो गलतियाँ होंगी, लेकिन बार बार ये गलती नहीं करें भाई, नई गलती कर लें और जल्दी जल्दी गलती करें, जल्दी जल्दी सही करें और जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकें, क्योंकि लिमिटेड टाइम है दुनिया में आपका और लिमिटेड चीज़ें हैं करने को, तो कोशिश करेंगे कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हो जाएं। ठीक है ना भाई, बाकी क्या है, बाकी सब तो चलता ही रहता है, आप हो ना हो, कुछ हो ना हो आपसे, दुनिया तो चलती रहेगी। दुनिया में लोग आपका इंतज़ार नहीं करेंगे कि आप कुछ नहीं कर रहे तो भाई वो भी कुछ नहीं कर रहे, वो लोग अपना काम करते रहेंगे, आप भी अपना काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। समझ आया? नहीं समझ आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को समझा लूँ इन वीडियोस से, और ख़ुद ही जो है वो अपनी अपने लिए ही वीडियोस बनाता हूँ मैं, अगर आपको समझ आ जाए तो और अच्छी बात है। यार दो दिन से एक तो मैं जो है वो घर से बाहर नहीं निकला, क्योंकि बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा और दिल भी नहीं चाह रहा था। क्या करें, ये काम में ही इतने मसरूफ़ थे और काम इतने पेंडिंग हैं कि अभी कुछ काम तो हैं वो स्टार्ट ही नहीं करे बिल्कुल भी, और वो स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले जो पिछले काम हैं वो कंप्लीट करें, और अगले काम जो हैं वो ले नहीं सकते जब तक पिछले काम कंप्लीट ना हो, ये बड़ा मसला है। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकला हूँ, वो भी मेरे माउस के सेल ख़त्म हो गए तो लेने निकला हूँ, वरना वो भी नहीं निकलता मैं, पता नहीं कितना टाइम हो गया। देखो अभी क्या होता है, अभी सेल लेना अभी मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा आज, सुस्ती हो रही है बाहर निकलने में, घर में मज़ा नहीं आ रहा, तो देखते हैं अभी आगे क्या है। जल्दी काम कंप्लीट हो तो फिर कुछ तफरियाँ करें, काम कंप्लीट नहीं होता ओवर बर्डन हो जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सब लोग मिलके भी काम कर रहे हैं लेकिन लगता है हमने ज़्यादा काम उठा लिया है, तो अब ये है काम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं फर्दर। उसके लिए भाई ये है कि अब जो अगले काम आ रहे हैं, बार बार रिपीट ही बोले जा रहा हूँ, वो नहीं करूँगा जब तक पिछले काम कंप्लीट नहीं हो जाए, और किसी से मिलना भी नहीं है अभी, क्योंकि ये जो बीमारी है इसकी लेयर जो है ना वो फिर बढ़ गई है, और रमज़ान आने वाला है और मुझे लगता है कि रमज़ान ख़राब ना हो, अल्लाह करे रमज़ान में सब नॉर्मल रहे जैसे पहले होता था, सब लोग मिल के तरावियाँ पढ़ते थे, सब अच्छा अच्छा होता था, अल्लाह करे वैसा ही हो, कि यार बिल्कुल रमज़ान भी फिर बोरिंग हो जाता है अगर मस्जिदों में पाबंदियाँ लगना शुरू हो जाती हैं और रात में भी सब बंद और शहरी में भी कोई मज़ा नहीं आ रहा होता, ये ना हो अगर रमज़ान में जो है नॉर्मल जैसा पहले होता था मज़ा आता था वैसा ही रहेगा।